सीजन 14 का फिनाले जीत चुकी है रुबीना दिलेक, बन चुकी है सीजन 14 की विजेता। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर आई थी देवोलीना बनकर इजाज खान की प्रॉक्सी, और अब जब जीत चुकी है रुबीना, उठा चुकी है ट्रॉफी, तो क्या ये बोल दिया है देवोलीना ने रुबीना के लिए? वो देवोलीना जो घर के अंदर आकर कई बार रुबीना से लड़ी, काफी कुछ गलत बोलती हुई नजर आई रुबीना के लिए। चलिए हम आपको टेली टॉकीज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की चटपटी मसालेदार खबरों को जानने के लिए टेली टॉकीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस सीजन 14 की विजेता रुबीना दिलेक ने जैसे ही ट्रॉफी उठाई वैसे ही देवोलीना का मुंह बन गया। देवोलीना मानो दिल ही दिल जल गई, क्योंकि देवोलीना ना तो सीजन 13 जीत पाई थी और ना ही फाइनलिस्ट बन पाई थी। घर के अंदर आकर उन्होंने रुबीना को काफी कुछ गलत भी बोला था, लेकिन हर बार रुबीना ने देवोलीना को इग्नोर करा। ऐसे में देवोलीना राहुल वैद्य को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जब रुबीना जीत चुकी है तो इसका बहुत बड़ा झटका लगा है देवोलीना को, और देवोलीना ने ये बोला कि कलर्स वाले बायस थे, उन्होंने रुबीना को गलत जिताया। जीत राहुल वैद्य की होनी चाहिए थी, रुबीना की नहीं होनी चाहिए थी। जैसे ही देवोलीना ने ये बोला साफ साफ समझ आ गया कि रुबीना की जीत से जल चुकी है देवोलीना। इन देवोलीना ने घर में जाने से पहले काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी थी सोशल मीडिया पर रुबीना के लिए, लेकिन फिर जब ये घर के अंदर गई तो इनके सुर बदल गए और अब तो इनसे रुबीना का जीत हजम भी नहीं हो पा रही है। रुबीना की जीत से जल चुकी है देवोलीना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।